तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, खास करके हम लोग गेट के बारे में बात करें तो बच्चे अंडरस्टैंडिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं कि एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, और वो कुछ इस तरीके से स्टडी करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग करते हैं, क्योंकि वो खास करके गेट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं, या फिर वो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद इस प्रिपरेशन के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। जहां पे यहाँ का एग्जामिनेशन गेट एग्जामिनेशन टोटली डिफरेंट एग्जामिनेशन है, जिसमें इंडिया में मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल फैकल्टीज अवेलेबल हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट खास करके हम लोग बात करें तो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में मिस करते हैं। कि एक्चुअली हम लोग रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में बात करें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, प्रॉपर विजुअलाइजेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, पावर सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन होती है कि किस तरीके से पावर का जनरेशन हो रहा है, उसका ट्रांसमिशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अपने लोड डिस्पैच सेंटर्स में के थ्रू। तो ये सारी एनालिसिस हम लोगों को पता चलती है और कॉन्सेप्ट लर्निंग में बच्चे इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि सेमेस्टर के स्टडीज में उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाती है कि वो गेट एग्जामिनेशन को विदाउट एनी प्रिपरेशन एक अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को प्रिपरेशन में ही पता चलते हैं, जिससे बच्चे इतना ज्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं और इतने ज्यादा उनमें अप्रोच हो जाता है कॉन्सेप्ट लर्निंग को लेके, और इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग को लेके कि वो आगे के स्टेजेस भूलना चालू कर देते हैं। कि आगे के स्टेजेस क्या है, केवल कॉन्सेप्ट लर्निंग गेट में इंपॉर्टेंट नहीं कि आप गेट के, सपोज करिए मैं ट्रांसफॉर्मर का आपको चैप्टर पढ़ा देता हूं या फिर कोई भी फैकल्टीज आपको पढ़ा देता है, और उन्हीं कॉन्सेप्ट के, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप गेट का एग्जामिनेशन लिख नहीं सकते हैं और अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद के स्टेजेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। जैसे हम लोग बात करें कि ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए मिलता है, हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए मिलता है, ये यहाँ तक का जो स्टेज रहता है बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। लेकिन इसके आगे के स्टेज के बारे में बात करें कि वर्कबुक प्रैक्टिस की आगे का स्टेज है, कि आपको वर्कबुक के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिससे आपको प्रॉपर एप्लीकेशन उस सारे कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, कॉन्सेप्ट जो कि आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया हुआ है उसका एप्लीकेशन आपको पता चलेगा। अब उस एप्लीकेशन पार्ट को वर्कबुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको टेस्ट सीरीज में इंटर करना पड़ेगा, कि टेस्ट सीरीज रिलेटेड कॉन्सेप्ट के आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज में अच्छा मार्क्स आना, अच्छा रैंक आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को वर्कबुक प्रैक्टिस में जब रहते हैं तो समहाउ कहीं ना कहीं, क्योंकि एप्लीकेशन ओरिएंटेड पार्ट है तो यहां से हम लोग फ्रिक्शन महसूस करना चालू कर देते हैं, कि समहाउ कहीं ना कहीं बच्चे फ्रिक्शन यहां पे महसूस करते हैं। फिर इसके लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि फैकल्टीज का डायरेक्ट यहां पे कॉन्टेक्ट नहीं रहता है, फैकल्टीज ने थेरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाया, बच्चे ने अंडरस्टैंड किया, यहां पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है फैकल्टी, लेकिन लेटर पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन तो एट द एंड आप ही को सॉल्व करना है, तो वहां पे फैकल्टीज के इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के कारण बच्चा कहीं ना कहीं फ्रिक्शन महसूस करता है। लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग बात करें कि वर्कबुक के प्रैक्टिसेस के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के बाद हम लोगों को टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना रहता है, जहां पे फैकल्टीज का इन्वॉल्वमेंट टोटली खत्म हो जाता है। वहां पे आपको क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, और पूरा जो आपने सब्जेक्टिव अप्रोच रखा था, पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न किया हुआ था उनको अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे फैकल्टीज का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करनी है, ये सारे स्टेजेस को वन बाय वन आपको कंप्लीट करना है, केवल कॉन्सेप्ट लर्निंग से काम नहीं चलने वाला है। जिसके लिए इस सफर को गेट एग्जामिनेशन का आपको इजी बनाने के लिए हम लोग जेनिक अनस्टॉपेबल चैनल पे एक सीरीज की लॉन्चिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जो कि मेनली फोकस रहेगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके इनके प्रैक्टिस सीरीज हम लोग लॉन्च करेंगे, जो कि कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस CTQ काइंड ऑफ एनालिसिस हम लोग करेंगे, कि एक क्वेश्चंस लेंगे और उसके बिहाइंड के जितने भी कॉन्सेप्ट है वहां पर रिटेन करने की कोशिश करेंगे, और इस तरीके से हम लोग सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस सीरीज में आप लोग बहुत जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाली है, आप इस जेनिक अनस्टॉपेबल चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ शेयर करिए, जिससे एक प्रॉपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करके हम लोग इस सीरीज की करें और प्रॉपर इफेक्टिव मैनर में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की जर्नी को ब्यूटीफुल बनाएं। थैंक यू वेरी मच।